Hi friend, good morning. As you can see on the screen, here is the molarity problems, how to prepare the molar solutions. The problem is, first prepare a 0.1 mole NaCl, यानी आपको 0.1 मोल NaCl सॉल्यूशन को प्रिपेयर करना है. तो कितने ग्राम NaCl को आप यूज करेंगे? सो यहां पर आपको वॉल्यूम नहीं बताया है, तो वॉल्यूम अगर नहीं बताया तो वॉल्यूम आप 1 लीटर लेकर चलेंगे. ओके, सो सॉल्व आउट द प्रॉब्लम्स. तो मॉलिक्यूलर वेट जो है NaCl का 58.44 ग्राम है, यानी 58.44 ग्राम 1 लीटर के अंदर है. तो आपका ये जो सॉल्यूशन है कितना हो गया है, 1 मोल सॉल्यूशंस आपके पास यहां पर है. लेकिन आपको सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है 0.1 मोल सॉल्यूशंस. तो 58.44 मल्टीप्लाइड बाय 0.1, सो 5.844 ग्राम इन 1 लीटर. यानी आप 1 लीटर के अंदर कितना लेंगे, जो सॉल्यूट है आपका 5.844 ग्राम है, वो आप सॉल्यूशन लेंगे, सॉरी सॉल्यूट लेंगे, एंड देन वाटर जो वॉल्यूम है वो मेकअप कर देंगे कितना, 1 लीटर. तो आपके पास जो सॉल्यूशन आ गया है वो कितना आ गया है, 0.1 मोल NaCl का सॉल्यूशन आपके पास यहां पर आ गया है. नेक्स्ट प्रॉब्लम्स, प्रिपेयर 0.2 मोल NaOH सॉल्यूशंस. यहां पर आपको क्या करना है, 0.2 मोल NaOH सॉल्यूशन को प्रिपेयर करना है. यहां पर भी आपको वॉल्यूम नहीं बताया गया कितना सॉल्यूशन आपको प्रिपेयर करना है. अगर आपको वॉल्यूम बताया करना है या 10 ml करना है, तो यहां पर ये फार्मूला नहीं लगेगा, फार्मूला उसका चेंज लगेगा जो हम आगे वाली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे. तो यहां पर हम मान के चलते हैं कि यहां पर भी हमें वॉल्यूम कितना रखना है, 1 लीटर वॉल्यूम रखना है. सो अगेन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH 40 ग्राम है, यानी 40 ग्राम कितने में है, 1 लीटर. तो ये कितना सॉल्यूशन हो गया है, 1 मोलार सॉल्यूशन हो गया है. सो लेकिन हमें सॉल्यूशन करना है 0.2 मोल का सॉल्यूशन. तो 40 ग्राम मल्टीप्लाइड 0.2, तो आपके पास यहां पर कितना आ गया है, 8.0 ग्राम इन 1 लीटर. यानी आप क्या करेंगे, एक बीकर के अंदर 0.8 ग्राम सॉल्यूट लेंगे, यानी NaOH लेंगे, एंड देन फाइनली जो वॉल्यूम है वो मेकअप कर लेंगे कितना, 1 लीटर आप यहां पर वॉल्यूम मेकअप कर लेंगे. सो यहां पर आपके पास जो सॉल्यूशन है वो कितना आ गया है, 0.2 मोलार NaOH सॉल्यूशंस प्रिपेयर कर लिया आपने. सो मूविंग टू द नेक्स्ट, हियर इज द सिमिलर प्रॉब्लम. प्रिपेयर ए पोटासियम हाइड्रोक्साइड 6 मोल का आपको पोटासियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है. तो पोटासियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है 56.11 होता है, यानी 56.11 कितने में, 1 लीटर के अंदर है, 1 लीटर डिस्टिल वाटर के अंदर है, यानी कितना मोल का सॉल्यूशन है, 1 मोल का सॉल्यूशन है. लेकिन आपको कितना प्रिपेयर करना है, 6 मोल करना है, तो 6 मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप कितना लेंगे, KOH 337 ग्राम्स. यानी आप एक बीकर के अंदर क्या करेंगे, 337 ग्राम KOH लेंगे, एंड देन फाइनली वॉल्यूम है वो मेकअप कर देंगे 1 लीटर. यानी अब जो आपके पास सॉल्यूशन है वो कितना है, 6 मोल का सॉल्यूशन प्रिपेयर हो गया है. नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रिपेयर द 0.5 मोल NaOH सॉल्यूशंस. यानी इस बार आपको 0.5 मोल NaOH सॉल्यूशन को प्रिपेयर करना है. तो जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 40 है, देन 40 है यानी 1 लीटर, यानी 1 मोलार सॉल्यूशन आपके पास है. सो आप 0.5 मोलार के लिए क्या करेंगे, जो 40 ग्राम है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 0.5 से. तो आपके पास यहां पर कितना आ गया, यानी कितना NaOH आप लेंगे, 20 ग्राम ऑफ NaOH लेंगे. बीकर के अंदर आप 20 ग्राम ऑफ NaOH लिया आपने, एंड देन 20 ग्राम NaOH लेकर फाइनली आपको वॉल्यूम कर देना है, मेकअप कर देना है वाटर से 1 लीटर. अब आपके पास जो यहां पर सॉल्यूशन है वो कितना आ गया है, 0.5 मोल.
नया जो सॉल्यूशन आपके पास प्रिपेयर हुआ है वो 0.5 मोल का सॉल्यूशन है। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम के अंदर हमें डिस्कस करेंगे कि 0.5 मोलार का 50 ml सॉल्यूशन कैसे बनाएं या 6 मोल का 70 ml सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर करें। सो इस बार हम वॉल्यूम 1 लीटर नहीं रखेंगे, देन 1 लीटर की बजाय हम ml में उसको प्रिपेयर करेंगे। तो ml के अंदर जब हम प्रिपेयर करेंगे तो यहाँ जो आपका फॉर्मूला है वो चेंज हो जाएगा। सो थैंक यू नाउ।